आरपीएससी नहीं बनाता क्वेश्चन बैंक, पेपर सेटिंग भी नहीं सुरक्षित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग खुद की गलतियों से पेपर लीक कांड में फंसा है। यूपीएससी की तरह क्वेश्चन बैंक नहीं बनाने और पेपर सेटिंग को सुरक्षित नहीं बनाने से यह हालात बने हैं, जबकि एमएल कुमावत और विजय शंकर व्यास कमेटी ने सरकार को सौंपी सिफारिश में इन पर सर्वाधिक जोर दिया है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को भर्ती परीक्षा के पेपर बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है। सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेज अथवा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रोफेसर और विशेषज्ञों से पेपर तैयार कराते हैं। ये त्रिस्तरीय प्रश्न पत्रों का सेट तैयार कर आयोग को सौंपते हैं। आरपीएससी प्रत्येक परीक्षा के लिए पेपर सेट कराता है, जबकि यूपीएससी तय एसओपी के अनुसार 2 से 5 हज़ार क्वेश्चन बैंक तैयार कराता है। विशेषज्ञों के कंप्यूटराइज्ड बायोडाटा, आधार कार्ड, अंगुलियों के इम्प्रेशन तक रखे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आईएएस, मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य भर्तियों के लिए पेपर बनाए जाते हैं। बीते 70 साल में यूपीएससी के पास क्वेश्चन बैंक में लाखों प्रश्न जमा हैं। नहीं छुपी रहती पेपर सेटिंग की जानकारी। आरपीएससी की गोपनीयता एसओजी जांच में खुल चुकी है। आरोपी शेषिंग द्वारा ड्राइवर के माध्यम से बाबूलाल कटारा से संपर्क करने, कटारा द्वारा 60 लाख में सौदा करने की बात सामने आई है। यहाँ सामान्यतः अफसरों से लेकर चतुर श्रेणी चालक को भी विशेषज्ञों की आवाजाही और पेपर सेटिंग की जानकारी रहती है। हालांकि किसी का सीधा हस्तक्षेप नहीं रहता है। उपरेती पवार ने जताई थी नाराजगी। आयोग में 60 से 65 साल के कई सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत हैं। इन्हीं के माध्यम से सदस्य एक्सपर्ट कमेटी बनाकर परीक्षाओं के पेपर तैयार कराते हैं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ललित पवार और दीपक उपरेती ने तो कामकाज के तरीके पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने नोट शीट चलाकर गुणवत्ता पेपर के लिए क्वेश्चन बैंक बनाने को भी कहा था।